नेताजी ने अपने स्वार्थ का रंच मात्र भी विचार पूरे जीवन भर किया नहीं। इतने पढ़े लिखे थे, बहुत कमा सकते थे, परंतु देश की स्वतंत्रता के लिए अक्षरशः अपना जीवन उन्होंने वनवास में ही गुजारा, वनवास जैसे कष्टों में ही गुजारा। कितने बार जेल में गए, देश से बाहर जाना पड़ा, सेना बनाकर लड़ना पड़ा, सारा जीवन एक अग्नि गर्भ तपस्या है और ये तपस्या हंसते हंसते उन्होंने पार की, देश के लिए की, अपना नाम हो इसलिए नहीं। पूर्ण निष्प्रहता और निस्वार्थ बुद्धि का आदर्श उनका जीवन है, पूर्ण समर्पण का आदर्श उनका जीवन है। तपस्या के लिए कठोर परिश्रम और कष्ट सहन करने का आदर्श उनका जीवन है। देश के लिए किसी भी प्रकार का साहस अपने प्राणों की तमा न करते हुए करना उन्हीं का जीवन, उसका आदर्श है। और ये सारा करते समय उन्होंने अपेक्षा कुछ नहीं की, उनको क्या मिला, हमने उनको क्या दिया, हमने कुछ नहीं दिया, उस समय उनको कुछ नहीं मिला। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भारत को ऐसे तरुणों की आवश्यकता है, जो लाहौर का भाषण है उनका, वहां बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जैसे तरुणों की जरूरत है। गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म भर अपने समाज के लिए कष्ट सहन किए, युद्ध किए, अपने चार पुत्रों का बलिदान किया, उनका निर्वंश हो गया, फिर भी वो लड़ते रहे, और इसके बदले में जिनके लिए वो लड़ते थे उन्होंने उनको क्या दिया, उपेक्षा दी, उपहास दिया, लेकिन उन्होंने एक शब्द से भी उनके विरुद्ध कोई बात नहीं की। उनके लिए सतत सेवारत, समर्पणरत ऐसा जीवन था, ऐसे तरुण चाहिए। अगर स्वामी जी के इस वर्णन के अनुसार उस समय किसी का जीवन पूर्णता से दिखता है तो बाबू सुभाष चंद्र है। उन्होंने कभी भी जिस देश के लिए काम करते थे, उस देश के समाज में उनका विरोध करने वाले भी थे, हम जानते हैं, मत मतांतर होते हैं, उसके चलते वैचारिक विरोध होता है, उसके चलते कई बातें होती है, परंतु ये होने के बाद भी उन्होंने कभी भी आपस में लड़ाई नहीं की। कर सकते थे, शक्ति थी, समर्थन था, नहीं किया। जिनके लिए काम कर रहे थे उनके विरोध में कुछ नहीं किया, ऐसा जीवन उन्होंने जिया। और इसलिए स्वतंत्र भारत में उनका स्मरण बनाए रखने में थोड़ा कम ज्यादा हुआ तो भी अपने त्याग के कारण संपूर्ण भारतवर्ष की जनता के स्मरण में वो सदैव रहे, अपने आप रहे। किसी ने कुछ किया नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं, इसके बावजूद आज वो स्मरण में है।